अल्टीमेट केविन से इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद एग्रेगोर का क्या हुआ? ये क्वेश्चन एग्रेगोर फैंस के मन में एक न एक बार जरूर आया ही होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ क्रिएशन एपिसोड के बाद एग्रेगोर ना हमें किसी एपिसोड में और ना किसी सीरीज में दिखाया गया है। तो आज की इसी वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि एग्रेगोर का क्या हुआ। सो एग्रेगोर फैंस और बेंटन फैंस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी और बकवास के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले हमारे सैम भैया आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें ऐसी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको ऐसे और बेंटन के ऑसम कंटेंट्स मिलते रहे देखने को। गाइस, तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं कि एग्रेगोर का क्या हुआ। तो आज मैं उन दोनों रीजंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से रीजन को सही मानते हैं और कौन से रीजन को गलत। गाइस, ये हो सकता है कि एग्रेगोर की डेथ हो गई हो, पर अब सवाल ये उठता है कि एग्रेगोर का डेथ सीन हमें क्यों नहीं दिखाया गया। तो देखिए गाइस, ये हो सकता है कि बेंटन क्रिएटर इस सीन को ना दिखाना चाहते हो, क्योंकि बेंटन एक क्यूट एनीमे शो है जिसे छोटे बच्चे भी देखते हैं और बड़े भी देखते हैं, और बेंटन के क्यूट एनीमे शो होने की वजह से इसमें खून खराबा ना दिखाया जाता हो। ये बात ध्यान में रखते हुए एग्रेगोर की डेथ सीन बेंटन क्रिएटर्स ने हमें ना दिखाई हो। गाइज, ये भी हो सकता है कि एग्रेगोर नलवॉइड में हो। तो अब बहुत से लोग कमेंट कर बोलेंगे कि अगर एग्रेगोर नलवॉइड में होता तो बेंटन ओमनिवर्स के रूटर्स वाले एपिसोड में हमें जरूर देखने को मिलता। तो देखिए गाइज, शायद ये हो सकता है कि एग्रेगोर नलवॉइड से भाग गया हो और हमें बेंटन की न्यू सीरीज में एग्रेगोर देखने को भी मिले। सो एग्रेगोर फैंस बिल्कुल भी सैड ना हो। सो गाइज, यही थे आज के दो रीजंस। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज, आप प्लीज ओमनीट्रिक्स पहनकर अपने फेवरेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो करना है वो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।